नमस्कार, स्वागत है फटाफट समाचार में। हम छी कमलेंद्र झा। फटाफट समाचार में हम सब देखब देश दुनिया के तमाम खबर जे दिन भर बनल रहल सुर्खी में। तो आओ समाचारक सिलसिला के शुरू कैल जाए। पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुरि रहल अछि। राजधानी दिल्ली धुंध में नुका गेल अछि। बिहार आ झारखंड में सेहो धुंध के कोहराम मचल अछि। धुंधक कारण कईटा ट्रेन रद्द भ चुकल अछि आ कईटा देरी से चल रहल अछि। मौसम विभाग के अनुसार अगला पाँच दिन तक धुंध के कहर बनल रह सकत अछि। मौसम विभाग के अनुसार अगला पाँच दिन तक धुंध के कहर बनल रह सकत अछि। राघव रेड्डी विश्व हिंदू परिषद के नव अध्यक्ष हेता। रेड्डी पिछला दू दशक से संगठन के नेतृत्व कर रहल अशोक सिंघल के स्थान लेता। रेड्डी एखन धरि विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष छला। परिषद के दोसर महत्वपूर्ण बदलाव ई कयल गेल अछि जे प्रवीण तोगरिया के जगह पर चंपत राय के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बनाओल गेल अछि। तोगरिया के ओना संगठन के कार्याध्यक्ष बनाओल गेल अछि। ई बदलाव विश्व हिंदू परिषद के कोची में भेल बैसार में कयल गेल अछि। डॉन केमिकल लंदन के ओलंपिक स्टेडियम से अपन लोगो हटेबाक लेल तैयार भ गेल अछि। भारतीय ओलंपिक संघ कहलक अछि जे ओ एहि कदम से संतुष्ट नहि अछि आ चाहैत अछि जे ई अमेरिकी कंपनी 2012 खेल से अपन प्रयोजन वापस लिए। डॉन कहलक अछि जे ओ अपन ब्रांड के नाम नहि देखोता मुदा प्रयोजन वापस नहि लेत। भोपाल गैस त्रासदी में जुड़ल लोक एहि अमेरिकी कंपनी के ओलंपिक से जुड़बाक पर तमसायल अछि। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दुबई में इलाज करा पाकिस्तान लौट अला अछि। करीब दू सप्ताह बाद पाकिस्तान लौटला अछि। भारी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान लौटबाक बाद जरदारी अपन राजनीतिक सक्रियता में सेहो लौट अला अछि। जरदारी के चिकित्सक हुनका स्वस्थ घोषित करैत आधिकारिक जिम्मेदारी पूरा करबाक आज्ञा दऽ देलथि अछि। बिलावल हाउस के प्रवक्ता के अनुसार जरदारी पूर्णतः स्वस्थ छथि आ राजनीतिक सक्रियता में हिस्सा लऽ रहल छथि। सोनिया गांधी के सपना आखिरकार यूपीए सरकार पूरा करत। मनमोहन कैबिनेट आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल के मंजूरी दऽ देलक। खाद्य सुरक्षा बिल के प्रावधान के अनुसार ग्रामीण इलाका में 46% लोग के सब महीना 7 किलो अनाज देल जायत। एहि बिल के पास भेला के बाद 3% किलो चौर, 2% किलो गेहूं आ 1% किलो दलिया गरीब के भेट सकत। सरकार कहलक अछि जे ई बिल पास भ गेला के बाद देश में कियो भूख से नहीं मरत। आम आदमी के कम से कम 2 साँझक रोटी के गारंटी देल जा सकत। उत्तर कोरिया के करिश्माई नेता किंग जोंग इल के निधन भ गेल। ओ 69 वर्ष के छला। सिगार और स्वादिष्ट भोजन के शौकीन किम के मधुमेह और हृदय के बीमारी छल। किम जोंग इल के अपन पिता किम इन सुंग के 1994 के निधन भेला पर सत्ता विरासत में भेटल छल। सितंबर 2010 में किंग जोल इल अपन तेसर पुत्र किम जोल उन के अपन अधिकारी घोषित केने छला। बेला औद्योगिक इलाका में पकड़ायल अवैध कारतूस बनेबाक कारखाना मामला के स्पीड ट्रायल चलाओल जाए। एसएसपी के अनुसार लगभग 20 लाख के लागत से लेथ मशीन द्वारा श्रीकांत सिंह कारतूस फैक्ट्री चला रहल छला। एहि ठाम तैयार कारतूस अपराधी और नक्सली के आपूर्ति कयल जाय छल। ओ कहला जे एहि मामला में जल्द चार्जशीट दायर कयल जाय। भारत अगला साल फरवरी में अग्नि 5 मिसाइल के प्रशिक्षण करत। ई मिसाइल 5000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकत अछि। ई मिसाइल भारत के दक्षिण एशिया में ताकतवर बना देत। भारतक एहि मिसाइल से चीनी सेहो परेशान अछि। चीनक कहब अछि जे ई चीन के कईटा शहर तक एकर पहुँच भ सकत अछि। चीनी मीडिया में कहल जा रहल अछि जे अग्नि 5 मिसाइल एकटा खास देश लेल बनाओल गेल अछि। ओना भारत एहि आरोपक खंडन केलक अछि। एंथॉल निर्माण से जुड़ल प्रस्ताव के खारिज भेला पर केंद्र और राज्य एक बेर फिर आमने सामने अछि। नीतीश कुमार एहि लेल केंद्र पर बिहार संग अहित करबाक आरोप लगा रहल छथि। दोसर दिस राजद केंद्र सरकार पक्ष से नीतीशक बयान आलोचना शुरू कर देलक अछि। राजद सांसद जगनानंद सिंह कहला अछि जे मुख्यमंत्री गलत बयान दऽ रहल छथि। ई धारणा गलत अछि। एंथॉल के उत्पादन के प्रयास में बिहार में खाद्यान्न के उत्पादन प्रभावित हेबाक आशंका अछि। ओ कहला जे बिहार कहियो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर नहि भ रहल अछि। एंथॉल उद्योग के बढ़ावा देबाक प्रयास में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ि सकैत अछि। अचानक लापता भ गेली पाकिस्तानी अभिनेत्री बीना मलिक आखिरकार भेट गेली। ओ कहला जे अपन थकान मिटाबल लेल ओ मुंबई के एकटा होटल में आराम कर रहल छथि। ओ कहलत अछि जे ओ अपन मोबाइल के स्विच ऑफ कर देलथि अछि कियाकि ओ आराम करबा लेल एलथि अछि। बीना के कहब अछि जे एक दिन में 18 घंटा काज करला के बाद ओ बहुत थक गेल छली। स्थानीय पुलिस सेहो बीना के मुंबई में हेबाक पुष्टि केलक अछि। फटाफट समाचार में अखन वक्त बढ़ल एक छोट छिन विराम के। विराम कोई पार बाकी बचल समाचार तक कतौ नहीं जाओ। देखते रहो सौभाग्य मिथिला।